किट-किट भी ना, एक फोन तक नहीं कर सकता। कैश कर रही है यहाँ। पार्टियों की थकान चेहरे पे साफ नजर आ रही है, लेकिन उदासी, उदासी का तो नामो निशान नहीं। जीजू, एक बात बताइए, अगर आपको अपनी के पीछे पीछे ही आना था तो आपने अपनी को अकेले क्यों भेज दिया? दोनों साथ में आ जाते भाई। और वैसे भी उन्हें यहाँ पे आए हुए मुश्किल से एक ही दिन हुआ है और आपने लिवाने के लिए भी आ गए, ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी हुई ना। हाँ। क्यों जीजू, अब बोलिए। बेटा, अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। शबाना का कहने का मतलब ये है कि आलिया शबे मिराज में अकेली आई थी, तो तुम भी साथ आते तो, और अब तुम आ ही गए। चलो चलो अंदर चलो, चलो। सुबह से निकले होगे, कुछ खाया तुमने? नहीं, दोपहर से जर्नी थी, तेरी भूख मर गई। जब इतना सड़ू मूड है तो आया ही क्यों? दो चार दिन में मैं आने वाली थी, तुम बेकार में आ गए। कर तो देखो इसकी, कहीं है ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं इससे मिलने करने आया हूँ, इसे ले जाने के लिए, इसे मनाने के लिए? हो सकता है, तभी तो ऐसा एटीट्यूड। मेरा बस अलतरा कभी नहीं आता, वो तो डांटने का इसलिए आया। तुम तो हमेशा तुम्हारे मन की करते हो, तुमसे कौन जबरदस्ती कर सकता है? डांट कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, इसी शहर में, इसी घर में, तुम्हारी आंखों के सामने जबरदस्ती, जबरदस्ती। गलती इससे हुई है तो हर जाना भी इसी को भरना पड़ेगा, आलिया से निकाह कर। तुम्हारी शादी को समझौता समझती हो, वो कुछ नहीं, और मैंने जबरदस्ती का टाके लगा तो मिर्ची लग गई मामू की भांजी। अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आपकी और मेरी कभी अनबन हुई नहीं। मसले होते हैं मियां बीवी के बीच, सुलझा लेंगे दोनों। माशाल्लाह दोनों जहीन हैं। अच्छा अब तो आपके दामाद आए हैं तो आपको कुछ खास बनाएंगे। चलो अच्छा, अभी भी मौका मिल जाएगा कुछ अच्छा खाने का। अच्छा जी, जैसे मैं तो आपका ख्याल ही नहीं रखती, चलिए आपकी भी खातिर कर लेती। जैसे आपका। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी पोपी,
वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अरे बेटा, जब दोनों ही आ रहे थे तो मेरे जुबू को भी ले आते। अब यही कसर रह गई है मेरी जिंदगी में कि आपके जुब्बू को अपने साथ लेके फिरता रहूं। अरे तू कहाँ खो गया? जुब्बू, जुब्बू। तू भी जुब्बू के बारे में सोच रहा है? वो है ही इतना प्यारा, सबको उससे मोहब्बत हो ही जाती। लेकिन तू अभी जुब्बू के बारे में सोचना बंद कर और अपनी बीवी के बारे में सोचना शुरू कर। बीवी के बारे में कुछ हुआ है ना तुम दोनों के बीच? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बहस हुई है क्या? आप दोनों को ना ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा हमें। हाँ अप्पी, और आप कबूल करें या ना करें, लेकिन हम जानते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला है। बताइए ना अप्पी, क्या हुआ है? वो भी मेरे जुब्बू के होते हुए? अरे वो तो अमन जैन का पैगाम अपनी जुबान पे लिए फिरता है। कहीं कोई रंजिश हो, कुछ हो, जुब्बू को भेज दो, सब मसले हल कर देता है वो। ऐसा भी क्या मसला था अप्पी? कि आलिया सामान उठा के सीधे यहाँ चली आई। और जीजू, उन्होंने आपको रोका तक नहीं? अब किसी को रोकने के लिए पता तो होना चाहिए कि वो जा भी रहा है या नहीं। बिना बताए चलेगी चोरी छुपे। बताइए, ऐसे भी कोई करता है? बताए तो उसे जाता है जो सुनना चाहता है, पर ये तो Anyway, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हाँ अप्पी, बिल्कुल भी बात मत कीजिए, ना इस बात के बारे में ना दूसरी बात के बारे में। और वैसे भी अप्पी, जो इंसान अपनी बीवी को रुलाए उसे कभी बात नहीं करनी चाहिए। बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात के हल तो निकलेगा नहीं। रुक, मैं बुलाती हूँ उसे। अरे नहीं फूफी, प्लीज। अरे पर क्यों? सब बड़े सामने बैठेंगे, तुम दोनों को बैठाएंगे और जो भी मसले होंगे उन पर बातचीत करके बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे करने से लड़ाई खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। लेकिन जब फूफा और फूफी मिलके जैन जीजू से बात करेंगे ना, तब जीजू की हवा टाइट हो जाएगी। हाँ ऐशा, बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम चलिए खाला से बात करते हैं। हाँ, बोला ना नहीं। बिल्कुल मत कर, जैन को कोई पंचायत पसंद नहीं। पसंद क्या? आलिया को सख्त नफरत है पंचायत से, खासकर किसी पर्सनल बातों में। और फिर मियां और बीवी में ये सब डिस्कशंस नॉर्मल है कि नहीं? देर सवेर हम एक दूसरे से बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पक्का अप्पी? पक्का। पंचायत बुलाना चाहती हो तुम? क्या 10 लोग सामने बैठेंगे तो मैं घुटनों पे गिरकर माफी मांग लूंगा तुमसे? जैन भाईजान। अरे अली, सब खैरियत? सब बढ़िया भाईजान। और मुझे जैसे ही पता चला कि आप आए हैं, मैं आपके काम की चीज लेके यहाँ आया। जीप की चाबी? अच्छा, वैसे भी यहाँ काफी घुटन हो रही है। अच्छा भाईजान, मैं वेट करता हूँ। घुटन हो रही है तो आए ही क्यों, चले क्यों नहीं जाते वापस? बैठे बैठे मामू की भांजी की शक्ल देख के थक गया हूँ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया डैड ने मुझे। इस खुली हवा में कितना अच्छा लग रहा है। अरे अंकल, मरना है क्या? अंकल, मैं तुमको अंकल दिखता है? ब्रो बोलो, ब्रदर बोलो, कुछ भी बोलो, आई एम टू यंग टू बी एन अंकल। अरे अंकल कहाँ, आई मीन ब्रो कहाँ चले आ रहे हो? तुम सीधा जा रहे हैं, हम भी सीधा जा रहे हैं, लेट्स गो। मेरा वाइफ आगे वेट करता है,
और मैं कुछ भी कर सकता, अपनी वाइफ को वेट नहीं करा सकता। पीटर ट्राइफन, हस्बैंड ऑफ हाना ट्राइफन। जैन अब्दुल्ला। सिंगल? मैरिड। मैरिड। मैरिड है तो स्माइल करके बोल ना। फाइट करके आया वाइफ से? इट्स ओके, एम्बैरेस होने का कुछ नहीं है, सब कपल्स फाइट करता है। मैं और हाना तो पहले कितना फाइट करता था, अभी बंद हुआ है कुछ साल पहले। आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? 12, 13th ईयर चल रहा है। और ये हार्ट शेप बलून्स? हाना लव्स बलून्स, उसको तो कुछ भी चलता है, पर मैं बोला नहीं, हार्ट मांगा तो हार्ट ही मिलेगा। तू लाया कभी हार्ट शेप बलून्स अपनी वाइफ के लिए? नहीं। नाम क्या है? अभी तो बताया जैन अब्दुल्ला। तुम्हारा नहीं, उसका जिसे फाइट करके आया। मामू की भांजी आलिया। नाइस नेम, मतलब मालूम है? मतलब चाहे जो भी हो, जो इंसान जैसा होता है वैसा ही होता है ना। उसको पसंद क्या है? मैं पसंद नहीं हूँ ये पता है। वैसे आप दोनों तो एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, फिर आप दोनों किस बात पे लड़ाई करते हैं? फाइट्स का क्या है? फाइट तो कहीं ना कहीं से रीजन ढूंढ ही लेती, पर जो कपल इन रीजंस को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दे, फाइट्स उनकी लाइफ से गेट आउट हो जाता है और प्यार बना रहता है। प्यार, प्यार ऑटो पायलट पे नहीं चलता, इसको हर रोज चार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल चार्ज करते। आई लव यू, ये तीन मैजिकल वर्ड्स हैं, जब दिल से बोलो ना तो दिल पे जाके लगता है। जैसे मैं तो हाना को दिन में 25 बार बोलता आई लव यू, वो नहीं बोलता पर मैं बोलता हाँ, और मैं जानता है उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता। पीटर, आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं। हाना मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा वाइफ है। हाँ बस गाड़ी रोक इधर। थैंक यू जैन। आपकी वाइफ? अक्रॉस द रोड। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू। पीटर ट्राइफन, हस्बैंड ऑफ हाना ट्राइफन। मेरा वाइफ आगे वेट करता है और मैं कुछ भी कर सकता, अपनी वाइफ को वेट नहीं करा सकता। हाना लव्स बलून्स, उसको तो कुछ भी चलता है, पर मैं बोला नहीं, हार्ट मांगा तो हार्ट ही मिलेगा। उस दिन बहुत फाइट हुआ था हमारा, अक्सर हुआ करता था, पर उस दिन मानो हम दोनों का ईगो हमारी मैरिज से बड़ा बन गया था ना। वो सॉरी बोला ना हम, हाना वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। बहुत गुस्सा आया था मुझे, एंड आई स्क्रीम्ड गेट लॉस्ट, गेट द हेल आउट ऑफ माय लाइफ। आज सोचता है क्यों बोला मैंने ऐसा। वो ड्राइवर बहुत रैश चला रहा था, हाना रोड पर वॉक कर रहा था, और फिर सडनली रिजॉल्व हुआ। हर रोज आता है मैं यहाँ, कभी फ्लावर्स लेकर, कभी चॉकलेट्स लेकर, कभी ये बलून्स लेकर, और कर्ज करता अपने आप को कि ये सब तब क्यों नहीं किया जब वो थी, व्हेन शी वाज देयर विद मी। तुम लव करता अपनी वाइफ से? तो जाओ और कहो उसको, कहो आई लव यू, एक बार, 10 बार, 1000 बार कहो। किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? जब मन किया मुस्कुरा दिया, जब मन किया मुंह मोड़ लिया, इसे रिश्ता कहते हो तुम? लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल जैन,
लाइफ सेकंड चांस सबको नहीं देता है जैन। अगर टाइम निकल जाता है तब आप यही सोचते हैं कि क्या उसने आपको फगिव किया है, जैसे मैं आज तक सोचता है कि क्या हाना ने मुझे फगिव किया। जैन, बेटा अच्छा हुआ तो सही वक्त पर पहुंचे। क्या हुआ बेटा? शहर में कर्फ्यू लग गया, दंगा हो गया। वो यूनियन का कुछ मसला था, बात बिगड़ गई। सब लोग घर पर ही है ना? वो आलिया बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। अभी वो तो जब जैन भाईजान जीप लेके निकले तभी साइकिल लेके निकल गई थी। बोली घर में घुटन हो रही है तो ताजी हवा खाने जा रही है। गए तो काफी वक्त हो गया, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। कुछ कहा उसने, कहां जा रही है? नहीं भाई कुछ कहा नहीं। अब तो जैन बेटा क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा। अरे आलिया इतनी देर से घर में नहीं है और तुम लोगों को अब पता चल रहा है, जाओ जाके ढूंढो उसे। हाँ मैं अभी फोन ट्राई करती हूँ। शबाना मैं नाज चाची के फोन करके पता करती हूँ। आओ लड़कियाँ, कहीं मेरी बेटी किसी मुश्किल में ना हो। मैं अलग ढूंढ कर आता हूँ। जैन तुम मत जाओ, तुम भोपाल से अच्छी तरह वाकिफ रहेगी, ये बच्चे पूछते पाछते ढूंढ लेंगे। अरे अली क्या खड़े हो, क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। Trying to call is currently not reachable.